बोनी बहू और लंबी बहू की पहली सुहाग रात। चलो दोनों बहू अंदर आ जाओ, अब से तुम दोनों इस घर की लक्ष्मी हो और इस घर की जिम्मेदारी अब तुम दोनों की होगी। अरे ओ छुट्टन बहू, तू घर की बड़ी बहू है ना, चल अंदर आ। जी माँ जी। अरे कोकिला, ये तुम गोपी बहू को कैसे कह रही हो, सम्मान करो उसका भी, आखिर तुमने उसके घर से ही दहेज मंगवाया है। हाथों अपनी चांद पर बिठा लूं, क्या दहेज में दिया ही क्या है, इसके माँ बाप ने एक जोड़ी पायल, एक सोने के गले का हार, बस करीब कहीं की। अरे इससे अच्छी तो मेरी छोटी बहू है राशि, जो इतने बड़े अमीर घर से है और इतना सारा दहेज लाई है, कूलर एसी फ्रिज, सिर्फ अपने लिए नहीं हमारे लिए भी। तो आप हमारी छोटी बहू के नखरे उठाना, इस बोनी के नहीं। बस करो कोकिला। माँ आपने इस छोटी लड़की से मेरी शादी करवा कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बच्चा लग रही है कोई फिफ्थ क्लास की। मैं तो खुश हूँ, अच्छा है मैंने अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली थी। भैया आप ही फंस गए और करिए माँ की पसंद से शादी। ओ बेबी, लव मैरिज इसीलिए तो होती है कि एक दूसरे को जानकर शादी करें। माँ जी हम दोनों थक गए हैं, हम जाएं? हाँ तुम दोनों जाओ। ये कहकर दोनों छोटी बहू बेटी अपने कमरे में चले जाते हैं। माँ दिस इज नॉट फेयर, इसके साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता, क्योंकि आपने मेरी इस बोनी बहू के साथ मेरी शादी। अब बेटा तू तो जानता है हमारे घर की स्थिति, जब मुझे तेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था तो मैंने इसी से ही तेरा रिश्ता जोड़ दिया। इसके माँ बाप ने तो दहेज दिया, वो ज्यादा लग रहा था, अब छोटी बहू जितना दहेज लाई है उसके सामने तो वो गरीब ही निकली। अब जो भी है, रीति रिवाज के तौर पर यही तेरी पत्नी है, नाक कटवाने वाले काम मत कर अब। हाँ हाँ आप दोनों माता पिता का ठीक है, किसी भी लड़की से शादी करवा दो और नाक भी आपकी ना कटे, मेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं। अरे मेरे दोस्त कितना मुझे बोलेंगे कि छोटी हाइट की लड़की से शादी की है। अरे बस बहुत हो गया आशुतोष, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, आज तुम्हारी पहली रात है। गुस्से में आशुतोष वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है, पीछे पीछे गोपी बहू भी चली जाती है। वो दूध का गिलास आशुतोष को देती है। आशुतोष जी ये लीजिए, दूध पी लीजिए। क्या है ये सब, दूर रहो तो मुझसे बोनी कहीं की। ये देखते ही आशुतोष उसके हाथ से दूध का गिलास लेकर फेंक देता है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बस मेरे माँ बाप के कहने पर मैंने शादी कर ली, मेरा दिल तार तार हो गया था जब मैंने तुम्हें देखा। अजी सिर्फ हाइट ही तो कम है, आप एक बार मुझसे बात कीजिए, मैं धीरे धीरे आपको पसंद आने लगाऊंगी, आपको मेरी बात समझ आएगी। तुम सोच रही हो ये मीठी मीठी बातें करके मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा और तुम्हारे साथ सुहागरात मना लूंगा, तो तुम गलत फहमी में हो, मेरी नजरों के सामने से चली जाओ या चुपचाप इसी कमरे के कोने में पड़ी रहो। ये कहकर आशुतोष गोपी को धक्का मार देता है, जिससे दूध के गिलास का कांच गोपी के पैरों में चुभ जाता है। उसे बहुत दर्द होता है पर आशुतोष नजरअंदाज करके सो जाता है। वहीं गोपी भी दर्द में दीवार के सहारे बैठे बैठे सो जाती है। सुबह 4 बजे जब आशुतोष की आंख खुलती है तो वो देखता है, हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया, मेरी वजह से रात को इसे कांच चुभ गया था, कांच तो निकल गया लेकिन खून बहुत बह रहा है, पट्टी कर देता हूँ। ऐसा कहकर आशुतोष गोपी के पैरों में दवाई लगाकर पट्टी कर देता है, फिर पानी पीकर वापस सो जाता है। 2 घंटे बाद गोपी उठ जाती है। अरे ये मेरे पैर में पट्टी किसने कर दी, रात को बहुत खून निकल रहा था, लगता है आशुतोष जी ने किया है। सूर्य उदय हो गया है, जल्दी सी नहा धोकर पूजा करके पहले रसोई का खाना बना लेती हूँ। फिर बोनी बहू तैयार होकर पूजा करती है और पहली रसोई का खाना बनाती है। इतने में सब लोग उठ जाते हैं, लेकिन अमीर लंबी बहू मेकअप करने में बिजी थी। फिर कोकिला बोनी बहू को कहती है, ओ टिंगी बहू बड़ी जल्दी उठ गई तू, अच्छा स्टूल पर चढ़कर खाना बना रही है, जब ये कहूँ तो रातों रात इतनी लंबी कैसे हो गई। क्या बना रही हो? वो माँ जी मैं शाही पनीर, मटर पनीर कोफ्ता और मीठे में मूंग दाल का हलवा और पूड़ी रायता। अरे वाह मुंह में पानी आ गया, जल्दी बना ले, जरा लंबी बहू को देख कर आऊं। कोकिला राशि के पास जाती है कि राशि उसके सामने से मटकती हुई कॉल पर बात करते हुए आती है। हाँ तो क्या हुआ, मैं इतना लेट आई हूँ तो? वैसे भी मेरे माँ बाप ने इतना दहेज दिया है कि मैं एक चम्मच भी नहीं उठाऊं। नहीं यार मैं ऐसे नौकर वाले काम नहीं करने वाली, वो मेरी जिठानी है ना टिंगी, वो करेगी सब। अच्छा बाय। बहू तू सच में कुछ नहीं बनाएगी, कुछ काम नहीं करेगी? अरे हाँ हाँ तू कुछ मत कर, वो टिंगी बहू कर देगी। जी माँ जी। फिर राशि टीवी ऑन करके टीवी देखती है। कुछ देर बाद घर के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसमें बोनी बहू की तारीफ होती है, पर लंबी बहू को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही वक्त गुजरता है,
घर के सभी लोग आराम फरमाते थे। कोकिला और राशि बोनी बहू को बहुत परेशान करते थे, उस पर अत्याचार करते थे। बेचारी जैसे तैसे कमाई की वजह से भी काम करती थी। एक दिन गोपी रस्सी पर कपड़े सुखा कर आती है। ओह, तो बोनी जिठानी अपने हिसाब से रची नीचे करके गई है, अब मैं ऊंची बांध दूंगी। फिर राशि कपड़े की रस्सी और ऊपर कर देती है, जिससे बहू को कपड़े उतारने के बाद में बहुत कठिनाई होती है। वो स्टूल लेकर एक एक कपड़े को उतारती है, जिस वजह से गोपी को चोट भी लग जाती है। इस तरह राशि अक्सर गोपी बहू को परेशान करती थी। वहीं दूसरी ओर गोपी आशुतोष का काम करती थी। उसके बनाए खाने को खाकर आशुतोष के ऑफिस के दोस्त बहुत खुश थे, जिससे आशुतोष को भी खुशी होती है। एक सुबह आशुतोष शर्ट पहन रहा था, उसके बटन टूट जाते हैं। वो उसे सिलने की कोशिश करता है, पर सुई से उसके हाथ से खून बहने लगता है। ये देखकर गोपी उसकी उंगली को पकड़कर फूंक मारती है। ओहो, ये क्या किया आपने, मुझसे कह देते, मैं लगा देती बटन, दो मिनट रुकिए। अब क्या कुर्सी पर चढ़कर बटन लगाओगी? हाँ, यही करूंगी। फिर बोनी बहू कुर्सी पर चढ़कर आशुतोष की शर्ट का बटन लगाती है। देखते ही देखते आशुतोष को गोपी अच्छी लगने लगती है, और एक शाम वो उसके लिए कजरा लेकर आता है और अपने हाथों से लगाता है। तुम्हें अच्छा तो लगाइए। हाँ, मुझे अच्छा लगा, और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा कि ये आप मेरे लिए लेकर आए हैं। तो अब कर लो विश्वास और मुझे माफ भी कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, पर तुम बहुत अच्छी हो गोपी। मैं एक मौका देना चाहूंगा हमारे रिश्ते को। सच, मैं जानती थी कि आप एक दिन मुझे अपना लेंगे। ऐसा कहकर गोपी उसे गले लगती है। तभी आशुतोष हंस जाता है। अरे मुझे बैठने दो, हम सही से गले भी नहीं मिल पा रहे। छोटी हो ना तो बच्चे की तरह पेट से चिपक गई हो तुम मेरे। अब भी ना। वहीं दूसरी ओर लंबी बहू मसाले के डिब्बे अपने हाथ में लेकर चढ़ाती है। लीजिए लीजिए बोनी जीठानी जी, ये मसाले दानी को पकड़िए। ओ छोटी हैं आप तो। देवरानी जी, मैं छोटी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ऐसे परेशान करेंगे। कढ़ाई गैस पर जल रही है, दीजिए मुझे खाना बनाना है। ओ सच्ची, ये सब क्या हो रहा है राशि? तुम ऐसे गोपी को क्यों परेशान कर रही हो? अगर दोबारा गोपी के साथ ये सब किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जेठ जी, आप इनकी साइड क्यों ले रही हैं? आपको तो पसंद नहीं है ना ये? चालू हो गया क्या आपका इनके साथ? तमीज से बोलो राशि, तुम्हारी जेठानी है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। घर में अगर किसी ने भी कुछ गोपी को कहा तो। हाँ, वो मेरी पत्नी है और ये मैं मान चुका हूँ। सॉरी जेठानी जी। कोई नहीं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, सुन लिया ना कोकिला तुमने भी? जी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ चारों बच्चों को हनीमून पर भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल। इस तरह बोनी बहू को अपना सम्मान मिल जाता है। सास ससुर दोनों बच्चों को गोवा हनीमून पर भेज देती हैं, जहाँ वो बहुत मस्ती करती हैं। वहीं आशुतोष अपनी पत्नी के लिए बहुत रोमांटिक कमरा डेकोरेट करवाता है, जहाँ वो अपनी शादी की रात को पूरा करते हैं। बहुआ जी, आज आप परेशान देख रहे हैं। सुनीता, USA में जो हमारी कंपनी है वो बहुत लॉस में चल रही है। अगर मैं USA जाता हूँ तो यहाँ की कंपनी को कौन संभालेगा? एक कंपनी का लॉस तो हो ही रहा है मेरा, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? भगवान ने हमें 5 बेटे दिए हैं, हमने उन्हें इतना पढ़ाया लिखाया है कि कल को वो बिजनेस संभाल सके। आप उन्हें US की कंपनी दे दीजिए और वहाँ जाकर अच्छे से कंपनी को हैंडल करेंगे वो। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। एक काम करता हूँ, मैं मोहित, रोहित, विशाल और आकाश को USA भेज देता हूँ, और अजय मेरे साथ यहाँ इस कंपनी को हैंडल करेगा। जिसके बाद राकेश और सुनीता अपने चारों बेटों को US भेज देते हैं और एक बेटे को अपने पास ही रखते हैं, और ऐसे ही समय बीतता रहता है। सुनील जी, मैं सोच रही थी कि हमारे चारों बेटे तो अभी विदेश में हैं, तो इसलिए हम अजय की शादी कर देते हैं। जब वो चारों वापस आ जाएंगे तो हम उनकी भी शादी कर देंगे। जिसके बाद सुनीता और राकेश मिलकर अजय के लिए लड़की ढूंढते हैं और अजय की शादी गायत्री नाम की लड़की के साथ करवा देते हैं। गायत्री एक गरीब घर से होती है, जिस वजह से गायत्री पढ़ी लिखी नहीं होती। अनपढ़ होने के साथ साथ गायत्री रंग रूप में भी काली होती है, लेकिन इसके बावजूद भी गायत्री को घर के सारे कामकाज आते थे और वो बहुत संस्कारी भी होती है। गायत्री, ये तो सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? अभी तो नाश्ते का वक्त भी नहीं हुआ है। माँ जी, आज सोमवार है ना, और मैं हर सोमवार व्रत रखती हूँ, इसीलिए मैं सुबह सुबह मंदिर गई थी। आज मैंने घर के काम भी जल्दी कर दिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबके लिए कुछ अच्छा बना दूँ, इसलिए मैं अभी से ही नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ।
मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी संस्कारी बहू मिली है। सुनीता और गायत्री आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर के दरवाजे पर खटखट होती है। खटखट की आवाज सुनकर गायत्री जाती है और गेट खोलती है। गायत्री जैसे गेट खोलती है तो उसके सामने उसके चारों जेठ अपनी अंग्रेजन पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। राम राम राम, हे भगवान, ये इन लड़कियों ने कैसे कपड़े पहने हैं? इन्हें जरा भी लाशरम नहीं है क्या? हाय हाय, कैसी अपनी टांगे दिखा रही हैं? क्या हुआ गायत्री बहू, कौन आया है? अरे मोहित, रोहित, आकाश, विशाल, तुम चारों यहाँ, और तुम्हारे साथ में ये अंग्रेजन कौन है? माँ, ये हम चारों की पत्नियाँ हैं, लिली, रोज, लीजा और रेनेंस भी। हमने यूएसए में शादी कर ली थी। माँ, अपनी बहुओं का स्वागत नहीं करोगी? तुम चारों ने शादी कर ली, वो भी हमें बिना बताए? और तुम चारों को शादी करने के लिए यही अंग्रेजन मिली थी क्या? इन्हें हमारे रीति रिवाजों और संस्कारों के बारे में पता है? और इनके कपड़े भी देख लो, ये कोई कपड़े पहनने का तरीका है? सासू माँ, आजकल तो ये फैशन है, आजकल हर कोई यही कपड़े पहनता है। माँ जी छोड़िए ना, जो होना था वो हो गया है। मैं आरती की थाली लाती हूँ, आप मेरी चारों जेठानियों का स्वागत करिए। गायत्री के कहने पर सुनीता मान जाती है, जिसके बाद सुनीता अपनी चारों अंग्रेजन बहुओं का स्वागत करती है। लिली, रोज, लीजा और रेनेंसी काफी मॉडर्न लड़कियां होती हैं, जिस वजह से वो घर का भी कोई काम नहीं करती। मॉडर्न होने के साथ साथ वो तीनों बहुत सुंदर भी होती हैं, इसीलिए वो हमेशा गायत्री को उसके काले रंग की वजह से ताने दिया करती हैं और उससे ही घर के सारे काम करवाया करती हैं। आओ ब्लैक ब्यूटी, जरा इधर तो आना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा इनकी मसाज कर दो। क्या, मैं मसाज करूं? हाँ तुम करो, वरना और कौन करेगा? अब चलो जल्दी से मेरे पैरों की मसाज करो। लेकिन भाभी, मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। जितना बोला है उतना कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गायत्री गांव की होने की वजह से बहुत ज्यादा भोली भाली होती है, जिस वजह से वो लिली के पैरों की मसाज करना शुरू कर देती है। गायत्री जड़ी बूटी के तेल से मसाज करती है, जिसकी बदबू से लिली कहती है, छी, ये कितनी गंदी बदबू है, ऐसा लग रहा है कि कोई चूहा मर गया हो, ये तो क्या लग रहा रही है मेरे पैरों पर? दीदी, ये आयुर्वेदिक तेल है, इसे लगाने से आपके पैरों में जितना भी दर्द होगा वो खत्म हो जाएगा। शट अप इडियट, अब मुझे दोबारा पेडिक्योर करवाना पड़ेगा, चल हट दूर, तूने मेरे सारे पैर खराब कर दिए। इतना कहकर लिली वहां से उठकर चली जाती है। लिली के ऐसे बर्ताव से गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन राकेश और सुनीता किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से अब चारों अंग्रेजन जेठानियों को अपनी काली देवरानी को परेशान करने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। ओ ब्लैक ब्यूटी, ये खाना इतना ठंडा कैसे हो गया? हमें ये ठंडा खाना नहीं खाना है, जा जाकर इसे ओवन में गर्म करके ला। गायत्री गांव से होती है, जिस वजह से उसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को यूज करना नहीं आता है। गायत्री खाना ले जाकर ओवन में रख देती है और उसे आधे घंटे तक ऐसे ही रहने देती है, जिस वजह से खाना जलने लगता है और अचानक ओवन के अंदर एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर चारों जेठानी भागी भागी किचन में आती है। ओ अखिल की आंधी, जब तेरे को ओवन यूज करना नहीं आता था तो हमें बोल देती, तुझे पता भी है ये कितना एक्सपेंसिव था, हम खास ये यूएसए से लेकर आए थे, अब इसके पैसे कौन देगा? तो इसकी इतनी औकात कहाँ है, ये पैसे कैसे दे सकती है, ये तो छहरी गरीब। आप लोग मुझे मेरे काले रंग और गरीब होने के लिए ताने देती हैं। क्या काला और गरीब इंसान नहीं होता है? मैं काली हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत है, और आप इतनी सुंदर और अमीर हो लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर इंसानियत नहीं है। चारों को गायत्री की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गायत्री का हाथ पकड़कर घर के बाहर ले जाती हैं। बारिश का मौसम होता है, जिस वजह से बहुत तेज बारिश होती है, और वो गायत्री को बाहर ही छोड़कर घर के अंदर वापस चले आते हैं। भाभी, भाभी मुझे घर से मत निकालिए, मैं इस तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? गायत्री रोती रह जाती है, लेकिन उसकी चारों जेठानियों को उस पर जरा भी तरस नहीं आता है। रात भर बारिश में भीगने की वजह से गायत्री की तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। अब अक्सर गायत्री की जेठानियां जब भी गायत्री से कोई भी गलती हुआ करती थी तो उसे ले जाकर बारिश में खड़ा कर देती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और गायत्री की बारिश में भीगने की वजह से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्या हो गया है? जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ है
तब से ही मेरी बहू बहुत ज्यादा बीमार रहती है। ये तो बारिश में कहीं बाहर भी नहीं जाती, तो इसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? इनकी जो तबीयत खराब है वो बारिश में भीगने की वजह से हो रही है। लगता है आपकी बहू बारिश में भीगी है जिससे इनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। गायत्री, बहू सच सच बताओ, बारिश में गई थी कहीं या कोई और बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? तेरी हालत देखकर बहुत अजीब लग रहा है कि तू कितनी कमजोर हो गई है पहले से भी। सच सच बता, क्या बात है बेटा? सुनीता की बात सुनकर गायत्री अपनी चारों जेठानियों की तरफ देखती है। गायत्री को अपनी तरफ देखते हुए चारों जेठानियां डर जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि अगर गायत्री ने सबके सामने सच बता दिया तो हम चारों को घर से निकाल दिया जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, बदलता मौसम है, ऐसी तबीयत खराब होना मेरी आम बात है, और रही बात कमजोरी की तो वो तो हर किसी को हो ही जाती है। गायत्री की ऐसी बात सुनकर उसकी जेठानियों को अपनी गलतियों का पछतावा होता है, जिसके बाद वो गायत्री से माफी मांगती हैं। गायत्री, हमें माफ कर दो, तुम चाहती तो माँ जी के सामने सब कुछ सच बता सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ गायत्री, हमें माफ कर दो, हमसे तो सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगी। अपनी जेठानियों को अपनी गलती का एहसास होता देख गायत्री उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब चारों जेठानियां और देवरानी साथ मिलकर घर के सारे काम खुशी खुशी करते हैं और प्यार के साथ रहते हैं।